हेलो माय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल में। तो आज हम ये स्ट्रॉबेरी वाली डिजाइन बनाना सीखेंगे। ये बिल्कुल उबड़ी उबड़ी है, बहुत अच्छी लगती देखने में। ये बच्चों के स्वेटर में आप बना सकती हैं, टोपी में या स्वेटर में काफ़ी अच्छी लगेगी और बनाना भी आसान है। तो चलिए इसे बनाना सीखते हैं। तो उसके लिए हमने लिया है दो कलर, ये ग्रीन और एक पिंक। आप रेड भी रेड ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरी क्योंकि रेड ही होती है। ये हम इस तरह से गांठ बना लेंगे और इसमें डाल देंगे और हम बनाएंगे 19 चैन। पहले हम 19 चैन बना लेंगे। तो ये हमारी 19 चैन तैयार है। अब इसमें हम चार घर वापस जाएंगे, काउंट कर लेंगे यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ वापस जाएंगे इस तरह से धागा लेते हुए। हाफ क्रोशिया हमें बिननी है, सारे को निकाल देंगे इस तरह से। हम सारे चैन में बिन लेंगे। अब नेक्स्ट जितने भी चैन है सभी में हम बिन लेंगे इस तरह से। हम अपना बॉर्डर तैयार कर लेंगे। इस तरह से 19 चैन में 19 चैनों में हमें इसी तरह से बॉर्डर बना लेना है पहले। तो ये हमारा इस तरह से तैयार हो गया है बॉर्डर। अब इसमें हम एक घर ले लेंगे ऊपर। इसे पलटा लेंगे। इस जगह हम दो घर एक्स्ट्रा बिन लेंगे। इसमें दोनों में लेना है हमें, दोनों में लेते हुए हमें बिनना है। फिर से उसी तरह बिनना है हाफ क्रोशिया कर कर। दो घर हमने बिन लिया। अब इस जगह हम डालेंगे रेड कलर का ऊन। ये रेड कलर का ऊन डालेंगे और हमें ग्रीन को इसके साथ साथ में ही लेके चलना है, इसके अंदर ही। अब हम इस जगह बनाएंगे पांच घर पिंक वाले से, रेड वाले ऊन से पांच घर बनाएंगे। पांच बार करना है इस तरह से हमें। अगर आप बड़ी स्ट्रॉबेरी चाहती हैं तो पांच से ज़्यादा ले लें, थोड़ी मोटी अगर चाहती हैं, और अगर छोटा चाहती हैं तो पांच घर लें। आप अपने अनुसार स्ट्रॉबेरी बड़ी छोटी भी बना सकती हैं। कितने? 1 2 3 4 1 5। अब इस जगह ले लेंगे हम पूरा मोटर। अब इस जगह रेड को छोड़कर हम ग्रीन वाले को लेंगे, फिर से इस जगह हम दो घर बिनेंगे ग्रीन से इस तरह से निकाल देंगे। पिंक को साथ में लेते जाएंगे, पिंक धागे को साथ में ही रखना है ताकि वो अंदर अंदर साथ साथ में आगे बढ़ता रहे। तो ये जब दो घर हमारा हो गया तो पिंक ग्रीन को छोड़कर रेड कलर की इसे हम निकालेंगे। फिर इस जगह स्ट्रॉबेरी बनेगी,
साथ में ग्रीन को ऐसे साथ साथ लेते जाएंगे, ग्रीन को भी। फिर इस जगह हम रेड वाले धागे से 5 बार करेंगे। इस तरह पूरी लाइन कर लेंगे हम। जगह ग्रीन लेना है, पिंक को छोड़कर ग्रीन लेना है हमें। सॉरी, पिंक नहीं, रेड। ये हो गई। अब फिर से हम इसमें हरे वाले से 2 घर बिल लेंगे। सॉरी, इस जगह ग्रीन नहीं, रेड से हमें करना है, क्योंकि फिर से स्ट्रॉबेरी जगह बनेगी 2 घर के बाद। अब इस जगह फिर हम 5 बार ऐसे स्ट्रॉबेरी बना लेंगे, साथ में ग्रीन को रखते जाएंगे ताकि वो अंदर अंदर चलता रहे साथ साथ। पांच बार करना है हमें। बड़ी स्ट्रॉबेरी चाहती हैं तो ज़्यादा कर लें। लास्ट वाली स्ट्रॉबेरी बनेगी तो धागा हम इधर ही छोड़ देंगे और उसके बाद हम इस जगह घर बना लेंगे। फिर और एक घर बना लेंगे इस जगह हाफ कुर्सी कर कर। फिर पलट लेंगे हम। इसका एक घर लेने के बाद फिर हम इस जगह हाफ कुर्सी कर कर घर बना लेंगे। और एक इस जगह भी बना लेंगे हम। इस जगह और एक घर बना लेंगे। अब ये स्ट्रॉबेरी जब हम बनाना स्टार्ट करेंगे तो फिर हम ये पिंक वाले धागे को साथ साथ लेके चलना है। इसमें डालेंगे, निकालेंगे। देखिए, पिंक वाली धागा जो है पीछे साथ में ही है ताकि आगे जब हम स्ट्रॉबेरी बनाएंगे तो फिर यूज होगी। सारे जो 5 हमने बनाए थे सभी में डालकर निकालना है। सारे में डालकर निकालने के बाद इस तरह से डालेंगे और सारे फंदे को हम निकाल लेंगे एक बारी में ही। और ये जो हमारे जगह बॉर्डर बनेगा इस तरह से, और फिर सारे को ऐसे निकाल कर टाइटली बंद कर देना है। एक स्ट्रॉबेरी निकल आई हमारी बाहर, और एक बॉर्डर इस जगह और एक बनेगी। 2 का हमने शुरू से ही बनाया है। ये एक स्ट्रॉबेरी निकल आई। अब इसके साथ भी हम सेम ऐसे ही करेंगे। ये हो गई। फिर इसमें यू डालेंगे और सारे को निकाल लेना है एक बार में। फिर यू करेंगे। अब पिंक धागा साथ में ही लेते चलना है हमें, उसे नहीं छोड़ना है कहीं भी। ये देखिए, हमारा और एक स्ट्रॉबेरी बाहर निकल आई, उबड़ के आई बाहर।
काफ़ी खूबसूरत लगती है ये। फिर इस जगह हम दो बॉर्डर बनाएंगे, एक तो बन चुकी है, दूसरी बना लिया हमने। फिर से इसमें इस स्ट्रॉबेरी में ऐसे ही करना है हमें। इस तरह से हो गया। ये और एक स्ट्रॉबेरी हमारी बन गई, तो मैं और एक कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए हमारी खूबसूरत सी प्यारी सी स्ट्रॉबेरी बनकर तैयार है, बिल्कुल उबड़ी उबड़ी सी है और काफ़ी खूबसूरत लगती है। बच्चों के स्वेटर में, कैप में बना दें या स्वेटर में बनाएं, बहुत अच्छी लगती है। सेम इस तरह से। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई अमाउंट नहीं है। सो थैंक यू।